नमस्कार आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद अब लगातार अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग तेज़ी से उठने लगी है इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग अब तीव्र हो गई है आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पहले ही दो बार ये मांग की जा चुकी है कि मध्य प्रदेश में जो है तो पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए जिसको लेकर के अब बीजेपी से आने वाले मंत्री और बड़ा मलहरा से आने वाले विधायक प्रद्युम सिंह लोधी का भी बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को प्रदेश में बहाल बहाल करने को लेकर के जो राज्य सरकार है प्रदेश सरकार है बहुत गंभीर है मंगलवार को इस विषय को लेकर के सदन में चर्चा हुई है और विधायकों में अब धीरे धीरे यह सहमति बन रही है कि जो मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाए आखिर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग आखिर इतनी तेज़ी से क्यों उठ रही है आपको बता दें कि जो नवीन पेंशन योजना आई है उसमें जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी से 10 फ़ीसदी कटौती की जाती है और बाकी की 14 फीसदी जो चीज़ें हैं वो सरकार द्वारा दी जाती हैं पर पुरानी पेंशन योजना में आ, कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं की जाती है यही कारण है कि लगातार कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर के ये मांग उठती रही है और अब जब छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई है तो इसके बाद मध्य प्रदेश में भी अब ये मांग तेज़ी से उठने लगी है अन्य राज्यों में भी ये मांग तेज़ी से उठने लगी है अब देखना यह है कि कब तक प्रदेश सरकार इस पुरानी पेंशन योजना को प्रदेश में बहाल कर पाती है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार